तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जो लोग अभी 2021 में अपना YouTube का चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बट उनके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, यार अपना YouTube चैनल तो स्टार्ट कर दें, बट हम लोग वीडियो एडिटिंग जो होती है वो किस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे, और जो कि फ्री भी हो, जो मार्केट में हम लोग कहीं से फ्री में डाउनलोड कर सकें और उसको हम लोग फ्री में एडिटिंग कर सकें। तो दोस्तों, आज आप लोग को ऐसे एक फाड़ू सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप अपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं और जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके अंदर आपको सारे ही फीचर मिलेंगे जो आप एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग, जैसे कि वॉइस ओवर हो गई, वीडियो मर्जिंग हो गई, ऑडियो डिटैच करना, या कोई म्यूज़िक को एक नए अपने वीडियो पे लगाना, या स्लो मोशन करना, फास्ट मोशन करना, तो ये सारे जितने भी फीचर्स हैं जो एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग में होते हैं, ये सारे फीचर्स आप लोग को उस फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी एजुकेशनल वीडियो को, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। सो दोस्तों, जो फ्री सॉफ्टवेयर है इसका नाम है शॉर्टकट, या आप लोग विंडोज़ के जो गूगल क्रोम होता है वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जब भी आप ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो इसका जो प्रीव्यू रहेगा, जो लुक रहेगा, कुछ इस तरह से रहता है। आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट आता है, आपके रिसेंट प्रोजेक्ट आते हैं, आपके सामने ऊपर पूरा टूल बार रहता है जहाँ पे आपके फिल्टर, टाइमलाइन, प्लेलिस्ट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, वीडियो एडिट कैसे करनी है, वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहले आपको जो भी आप जिस टॉपिक पे आप लोग काम करना चाहते हैं, तो उसका पहले आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। तो मैं जैसे ABC करके शुरू कर रहा हूँ, आप लोग का जो भी आप जिस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसका नाम डाल के आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे वीडियो मोड है, तो यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको Ultra HD तक मिलता है। आप देखेंगे आप लोग बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, कोई भी ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होगा जहाँ पर आपको Ultra HD 60 FPS तक आप लोग को जो एक्सपोर्ट मिलता है वो आपको मिले। तो यहाँ पे आप लोग इतने सारे आपके ऑप्शन है, अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फ्रेंड, आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपके नाम था, प्रोजेक्ट नेम वाला, वो चला जाएगा। देन आपको यहाँ पे कोई वीडियो इंसर्ट करनी है जिसपे आप लोग काम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दो वीडियो को इंसर्ट करता हूँ। तो मेरी जैसे हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल वाली वीडियोज़ हैं, तो मैं इनको इंपोर्ट करता हूँ, दो वीडियोज़ को, और इस पर मैं आप लोग को एडिटिंग करके दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट बन गई है जहाँ मैंने दो वीडियो अपनी इंसर्ट करी हैं अभी। तो इस पे जो आप मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे काम करना है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा टाइमलाइन पे। तो ये बीच में टाइमलाइन होती है दोस्तों, ये देखिए अब ये वीडियो मेरी टाइमलाइन पे आ चुकी है। तो सबसे पहला फीचर जो मैं इसका बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो में से आप लोग ऑडियो को डिटैच कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं, ताकि आप लोग कोई नया म्यूज़िक इसमें ऐड कर सकें। तो आप ये टाइमलाइन पे जो आपकी वीडियो है, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, तो नीचे देख रहे डिटैच ऑडियो करके इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ऑडियो है वो अलग हो जाएगी। अगर आपको डिलीट करना है, आप तो इस पर क्लिक करके डिलीट पे भी दबा सकते हैं, डिलीट हो जाएगी। अब आप इसमें एक नया म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक म्यूज़िक फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग अपना फोल्डर खोलेंगे और कोई भी एक ऑडियो फाइल को आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे दोबारा यहीं पर। तो ये देखिए आपकी, देखिए आप बज रहे हैं इसे, तो ये आपकी ऑडियो फाइल अटैच हो गई है। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे हम लोगों ने वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वैसे ही हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखिए अब ये वीडियो के नीचे आ चुकी है, अब इसको प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए सही प्ले हो रही है बिल्कुल आपके वीडियो के साथ साथ, जिसे आप देख रहे हैं वीडियो की जो ऑडियो है वो चली गई है और आपका नया म्यूजिक ऐड हो चुका है। तो ये इस फीचर के बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को दो वीडियो को ऐड करना है, सपोज कीजिए आपने दो क्लिप्स हैं आप लोग की, आप दो क्लिप्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जैसे एक ये वीडियो है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं एक नई वीडियो को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक और दूसरी वीडियो है जो मेरी है, मैं ये खोलूँगा और इसको सेम इसके सामने ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो देखिए आप जैसे दिख रही है दो वीडियो आपकी एक ही टाइमलाइन में, आपकी दो वीडियो की जो क्लिप्स हैं वो आ चुकी हैं। अब इनको ऐड करने के लिए क्या है, इसको क्लोज लाना पड़ेगा उसके, ताकि बीच में कोई गैप ना रहे और दोनों आपस में चिपक जाएं। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे प्ले करके देखेंगे, देखिए साथ में चल रही है दोनों की दोनों क्लिप्स। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको कोई एक वीडियो को अलग अलग करना है, सपोज कि जब आप एक वीडियो बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां हम लोग कर देते हैं, तो उनको कट करना होता है हम लोगों को। तो वो कट कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप जैसे ये आपकी वीडियो है, मैं इसमें से इसको म्यूट कर देते हैं पहले।
इसमें से मैं इसको हटाना चाहता हूँ, कुछ पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ जाएंगे, इसे कहीं से आपको डिलीट करना है, तो आपको ये लाइन देखनी है, ये लाइन जहाँ होगी वहीं से कट होगा, जो ये वाइट लाइन दिख रही है आपको, तो यहाँ जाके ये दिख रहा है आपको बटन जिस पे लिखा हुआ है स्प्लिट एट प्ले हेड, मतलब कि ये यहाँ से स्प्लिट कर देगा। ये आप लोग शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग एस दबाएंगे तो एस से ऑलरेडी आपका अलग फाइल हो जाएगी। देखिए आप बीच में दिख रहा है आपको कट हो गई, आप इसको हटाएंगे देखो अलग हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से जहाँ जहाँ भी आपकी फाइल गड़बड़ है तो आप वहाँ से हटा सकते हैं। देखिए एस दबाएंगे, इस पर जाके इसको डिलीट कर सकते हैं, बीच में से ये फाइल हट गई। तो इस तरह से आप लोग कोई भी आपकी क्लिप है उसमें से जो अनवांटेड पार्ट है आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों के फीचर बताता हूँ कि आप लोगों को मल्टी टाइमलाइन पे काम करना है, मल्टी लेवल, मतलब आप एक टाइमलाइन आपके हिसाब देख रहे हैं आपके सामने है, इसके सामने मैं एक और दूसरी टाइमलाइन ऐड करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? तो मल्टी वीडियो आप लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टी ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो येलो ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, देखिए सबसे ऊपर आ रहा है ऐड ऑडियो ट्रैक, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे देखिए एक ऑडियो ट्रैक ऐड हो गया है टाइमलाइन पे। और सेम ऐसे ही आप लोग ऐड वीडियो ट्रैक करेंगे तो आपके एक वीडियो ट्रैक भी आप लोगों का ऐड हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे एक और काम करना चाहते हैं तो आपकी कोई भी वीडियो है, ऐसे वीडियो है आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपके नीचे वाले उस पर आ जाएगी। तो देखिए आपकी मल्टी हो गई, आपकी दो टाइमलाइन पे आप काम कर रहे हैं, दो लेयर्स पे काम कर रहे हैं, जिनको हम लेयर्स बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स में, तो आप दो लेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए आप इस पर दो लेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो आपकी देखिए वीडियो कितनी स्मूथ चल रही है। और यहाँ पे आपको ये इस सॉफ्टवेयर की जो खास बात है कि आप जब वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो आप लोग अल्ट्रा HD तक 4K वीडियो आप लोग इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये इसकी सबसे बेस्ट है। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसमें कोई भी आप लोग कभी भी कुछ भी पेड नहीं करना है और एकदम स्मूथ सॉफ्टवेयर है। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हैवी नहीं है, आपका i3 सिस्टम भी है तो आप उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरा खुद i3 सिस्टम है तो इस पर मैं इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने स्टार्टिंग टाइम में अपनी वीडियोज़ बनाता था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो आप लोग भी अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और अपना अभी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सीखना चाहते हैं आप कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, जिसे हम बोलते हैं कि आप लोग आपके सामने सारे फीचर्स रहते हैं तो आप लोग सारा इसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप लोगों को किसी वीडियो के अंदर ब्राइटनेस या ऑडियो इंक्रीज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो आप देखिए जैसे यहाँ पे है तो इसकी मैं ऑडियो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप दिख रहा है आपको यहाँ पे प्लस करके एक साइन आ रहा है। तो ये सारे आपके फिल्टर्स जो कस्टम्स हम किसी भी वीडियो ऑडियो पे यूज़ करते हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज़ होती है वो होता है ये। तो अब यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फिल्टर्स पे जाएंगे, फिल्टर्स में आप प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने सारे जितने भी इसके हैं ब्राइटनेस, फेड इन वीडियो, फेड आउट वीडियो, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे वीडियो कभी कभी आती है, ब्लर होके आती है, तो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं फ्रेंड्स। तो आप जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना चाहते हो तो ब्राइटनेस पर क्लिक करेंगे, देखिए ब्राइटनेस का लेवल आ गया। आप देखिए मेरी वीडियो की देखिए ब्राइटनेस कितनी बढ़ गई है, देखिए देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसको, 200% तक कर सकते हैं, और इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, तो डार्क हो जाएगी ये वीडियो। तो देखिए आप चला के देखिए, अब देखिए डार्क हो चुकी है, इसको आप बढ़ाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स हैं, आप लोग अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप लोग मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जरूर क्वेश्चन पूछिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।